अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेड टेम व्लॉग्स। आज है 28वें रोजे की रात, यानी कि सैटरडे, कल 29वां रोजा होगा। तो आज ना गाइज, एक बाइकर्स कम्युनिटी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात थी कि रात को 10 बजे के बाद जो है कमिश्नर ऑफ लाहौर ने इजाज़त दी थी हैवी बाइकर को जो 600 cc से अबव हैं कि वो रिंग रोड पर अपनी बाइक से लेकर आ सकते हैं। लेकिन हुआ यूँ कि हम इंतज़ार कर रहे थे अब्दुल्ला भाई का, उन्होंने बाइक ली है और वो अपनी बाइक पे आना चाह रहे थे, तो उनका इंतज़ार करते करते हम और DHA पहुँचते हम हो गए थोड़ा सा लेट। और मसला ये हुआ है कि जो ग्रुप वो जाना था हैवी बाइकर्स का, बेसिकली उन्होंने सारा इकट्ठा होकर एक ही ग्रुप में अंदर एंटर लेना था रिंग रोड पर, वो चले गए हुए हैं और अभी पुलिस हमें एंटर होने नहीं दे रही। वो कह रही है कि हमें ग्रुप की इजाज़त मिली थी, ग्रुप को हमने जाने दिया, बाकी अब हम इंडिविजुअल राइडर्स को नहीं जाने देंगे। हालांकि यार ये बात गलत है, अगर आपने एक दिन के लिए खोली ही है रिंग रोड बाइकर्स के लिए, तो ग्रुप हो या इंडिविजुअल हो आप जाने दें यार उसको। कोई बंदा लेट भी हो जाता है, हमारी तरह लेट लतीफ़ जो होते हैं वो क्या करें, फिर घर चले जाएँ। तो अब्दुल्ला भाई जो हैं वो कहते हैं कि मुझे कोशिश और करने दें, हम दूसरे इंटरचेंज से चलते हैं। मैंने कहा चले ठीक है, अब आए तो हैं यार, इतना मूड बनाया, इतना दिल था कि चलो एक दिन रिंग रोड पे जो है हमें इजाज़त मिली है बाइकर्स को, तो चलो चलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ हो गया है हाथ, तो अब्दुल्ला भाई अब वो बचाने के लिए एक सेवियर, एज अ सेवियर बन के उठे हैं, कहते हैं मैं लेके चलता हूँ आपको, तो अभी हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, देखें किधर लेके चलते हैं हम। अच्छा, ये वैसे बहुत बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि हमें हैवी बाइकर्स को रिंग रोड और मोटरवे जो है इन जैसी रोड्स पे जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि दुनिया का कोई भी मुल्क ले लो यार, कोई भी मुल्क ले लो, इवन इंडिया में इजाज़त है यार। इंडिया, यू आर वेरी लकी पीपल गाइस कि आप अपनी बाइक जो है वो हाईवेज वगैरह पे लेकर जा सकते हो। तो इतना कस्टम देते हैं हम लोग, ठीक है, इतने शौक से बाइक लेते हैं और हाईवेज पे इजाज़त नहीं है यार, क्या मसला है? आप टूल लो ना, आप टूल लो, प्रॉपर कैमरे लगाओ स्पीड के, जो ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़ाएगा उसका चलान करो। लेकिन ना इजाज़त ना देने की वजह समझ नहीं आती। अपना सिस्टम ठीक करो ना, अपना सिस्टम ठीक करो भाई, स्पीड के चलान वाले कैमरे लगाओ, अपना सिस्टम ठीक नहीं करना, दूसरों को रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी है बस। तो खैर, पता नहीं कब ये जो है अकल आएगी अथॉरिटीज़ को और जो बाइक्स हैं हमारी इनको इजाज़त मिलेगी मोटरवे और इधर जाने की। My first time on the ring road, yeah, first time on ring road, मजा आ गया। यार हाईवे पे बाइक का अपना ही मजा है यार, यू टर्न्स नहीं होते ना, आपको इतना ज्यादा खतरा नहीं रहता, यू टर्न्स नहीं है आपको, सिर्फ सीधा बचना है आपको। रिंग रोड पे ही ज्यादा दे दो यार, awesome feeling guys, हाईवे, कोई यू टर्न नहीं, कोई स्टॉप नहीं, आप क्रूज करके जा सकते हो, आपको नहीं तेज चलानी ना चलाओ, क्रूज करके चलाओ अब्दुल्ला भाई बस। यार
अपना ही मजा यार, कोई थकावट फील नहीं होती हाईवे पे, आपको कोई थकावट फील नहीं होती, आप आराम से यार एंजॉय कर सकते हो, आप बाइक को एंजॉय कर रहे हो, आप लाइव ही यही है। ऐसे लग रहा है हाथ खुल गए हैं, किसी ने पर खोल दिए हो यार, पर किसी परिंदे को बंद करके रखा पिंजरे में कई साल और उसके बाद उसको खोल दियो, पर खोल दियो उसके, मजा आ गया गाइस, मजा आ गया, यकीन माने यार मैं तरस गया था ऐसी रोड के पर ऐसा बीस चलाने के लिए। यार बहुत बदकिस्मती है, बहुत बदकिस्मती है राइडर्स की कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है अपना मशीन चलाने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि हमने इसको ऐसी रोड दो ताकि हम इसको 300 पे भगाएं, नहीं, मैंने आपको कोई मीटर लो करके दिखाया इसका दे किया, लेकिन आप इंजॉय करते हो, आपको यू टर्न नहीं है, सिग्नल नहीं है, आप क्रूज करते हुए भी अपनी बाइक को राइड को इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि शहर के अंदर बार बार रुकना पड़ता है सिग्नल्स के ऊपर, वो कोई मज़ा नहीं है, वो कोई मज़ा नहीं है यार। दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ द लाइफ। अब समझ आता है घोड़े क्यों जो हैं वो क्रेज़ है उनको बाइक्स का, उनके पास स्ट्रक्चर है यार, वो स्ट्रक्चर हमारे पास भी है, पता नहीं यार कब खुलेगी मोटरवे और रिंग रोड हम लोगों के लिए। आज की ये जो राइड है मैं नहीं भूलूँगा आज की राइड, बहुत मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया। पहला थैंक तो कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए जिसने आज कम से कम एक दिन के लिए तो इजाज़त दी। अच्छा रिंग रोड में थोड़ी सी मैं महसूस करूँ कि कई जगहों पे थोड़ा सा उछाल भी है, तो आप ब्लाइंडली बाइक को तेज़ नहीं चला सकते इसके ऊपर, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ स्मूथ रोड, प्रॉपर स्मूथ रोड नहीं है ये हाई स्पीड बाइकिंग के लिए, ठीक है ना, ये ऐसे इस तरह आपने अपनी स्पोर्ट्स बाइक को भी इंजॉय करते हुए जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि छलांगे मारनी है, पर ये इंजॉय करने के लिए आप फ्रीडम जो आपको ये रोड दे रही है इस टाइम वो इंजॉय कर सकते हो आप। थकावट उतर गई यार, सारी थकावट उतर गई, पिछले चार पांच दिन की उतर गई यार, एक दिन का छोड़ो, कल मैं बहुत थक गया था, BMW के लॉन्च इवेंट पे मैं आया हुआ था, बहुत थक गया था मैं। मैंने जब कल ये बाइक लिया मैं पहले से बात छटा गियर इस्तेमाल करूँ, फर्स्ट टाइम ऑन माई लाइफ में इसका सिक्स गियर यूज करूँ यार, आप हिसाब लगा ले।
आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में याद रखें। वियर सेफ्टी गियर्स, राइड सेफ, स्टे सेफ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।